हाँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। आज सिर्फ सुनने और सुनाने का काम बचा हुआ है, आज कोई भी क्लास नहीं होने वाला है। ठीक है, सुनो समझो और हम क्या बोल रहे हैं उसको तुम ध्यान से समझेगा। देखो बेटा, एक्सरसाइज 2.3 का टोटल क्वेश्चन बना लिए तुम लोग? पहले रिप्लाई दो मेरे को। एक्सरसाइज 2.3, शिवम बन गया टोटल, गौरव, वैष्णवी, निशा, मृणाल, प्रियांशु, रोहित, अनुश्री, सभी बच्चे से बन गए हैं। रिया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को सभी क्वेश्चन बन गए हैं। साक्षी, चलो ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे से सभी क्वेश्चन बन गए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। मान के नहीं, बन ही गया है। मानना क्या है कि हम देखे, तुम लोग सेंड कर रहा था तो मेरा भी ध्यान जाता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सॉल्व कर ही दिया होगा। अच्छा, अब जो काम बचा हुआ है पहले उस काम को करते हैं। अब मेरा काम सिर्फ है होमवर्क देना, और तुम्हारा काम है सिर्फ होमवर्क को सॉल्व करना। अब उसमें कोई डाउट होगा तो मेरे से फिर पूछ लेना। समझ में आ रहा है बात? क्या हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? हाँ, अब देखो टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस पूरा खत्म। मैट्रिसेस का जितना कॉन्सेप्ट था, सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए सारे कॉन्सेप्ट पर एक दो प्रॉब्लम अच्छे अच्छे उठा के सॉल्व कर चुके हैं। तो अब काम क्या बचा है? प्रैक्टिस करने का। तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम खुद से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम देंगे तुम लोगों को होमवर्क, तुम लोगों को घर में बैठना है, आराम से एक-एक क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट टाइम देना है, सॉल्व करना है। कोई कोई क्वेश्चन बुक में गलती भी है, मिस्टेक है, किसी किसी क्वेश्चन का बुक के पीछे भी आंसर भी मिस्टेक दिया हुआ है, तो उसको लेके घबराना नहीं है। तुमको ऐसा कोई भी क्वेश्चन लगे जहां मिस्टेक है, तुमको लग रहा है कि इसका आंसर बुक में गलत दिया हुआ है, तो मेरे को सेंड करके बता देगा, ताकि हम एक बार चेक कर लेंगे, फिर तुमको हम बता देंगे कि हाँ आंसर मेरा रॉन्ग है कि सही दिया हुआ है। तो आज का जो होमवर्क है, पहले होमवर्क पर आते हैं। पीछे आंसर गलत है गौरव, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन का गलत है आंसर, हम तो बोल रहे हैं, हम तो बोल ही रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। वो गलत नहीं बोल सकते, मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग करने के टाइम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक ना? मतलब टाइपिंग करने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटका, जहां टाइप कुछ और करना चाहिए वहां कुछ और टाइप हो गया है। ठीक है, तो चलो पहले होमवर्क पर आते हैं। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना चुके हैं, मेथड ऑफ इन्वर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये है मेथड ऑफ रिडक्शन। ये क्या है मेरा? मेथड ऑफ रिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना है? 6 ही है ना? तुम लोग के बुक में कितना दिया है? 2 में, मेरे बुक में 6 है, 6 ही है। हाँ, सभी के बुक में 6 ही होगा। कोई कोई बुक, किसी किसी बच्चे के बुक में थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है क्वेश्चन आजकल, सभी के बुक में 6 है। चलो वेरी गुड। हाँ, तो देखो अब इस 6 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक है वो हम तुमको यहाँ पर करते हैं और बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको थोड़ा ठीक करेगा, पहला इक्वेशन ठीक दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन ठीक है। दूसरा इक्वेशन यहां दिया है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5/3, यहां पर लिखा हुआ है वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5/3, बोलो लिखा हुआ है कि नहीं है? वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5/3 लिखा हुआ है, बताओ, रिप्लाई दो मेरे को। हाँ,
नहीं, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, कुछ बच्चे हाँ बोल रहे हैं। लिखा है, देखो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन नंबर टू पर देखेगा ध्यान। वाई प्लस एक्स इक्वल टू एच लिखा हुआ है, वाई प्लस एक्स इक्वल टू एच लिखा हुआ है। देखो हम यहां लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं तुम उसको ध्यान देगा। फर्स्ट नंबर इक्वेशन सही है, हाँ, और सेकंड नंबर में तुम क्या लिखना, यहां पर वाई प्लस जेड लिखेगा तुम। यहां पर लिखेगा क्या, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5/3 लिखेगा। वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेगा, 5/3। और इसमें जो थर्ड इक्वेशन एक और होना चाहिए जो नहीं लिखा हुआ है, वहां पर लिखेगा जेड प्लस एक्स इक्वल टू 4/3। बुक में ये थर्ड इक्वेशन नहीं लिखा है, फर्स्ट वाला लिखा हुआ है, सेकंड वाला में बहुत बच्चे के बुक में यहां पर मिसप्रिंट होगा, यहां पर जेड के जगह में एक्स लिखा होगा, यहां जेड करेगा, वाई प्लस जेड इक्वल टू 5/3। अगर ये सेम टू सेम लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। थर्ड वाला बहुत सारे बच्चे के बुक में लिखा होगा, बहुत सारे बच्चे के बुक में नहीं भी लिखा होगा, तो इसको सही करना। थर्ड इक्वेशन इसमें एक और आएगा, जेड प्लस एक्स इक्वल टू 4/3। आया बात समझ में बेटा? फर्स्ट वाला इक्वेशन सही है, यहां पर लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये तीन इक्वेशन सेकेंड नंबर पॉइंट में, सेकेंड के बाद थर्ड नंबर में आएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है 2x, बहुत सारे बच्चे के बुक में यहां पर गलती लिखा हुआ है, यहां पर माइनस वाई होगा। देखो यहां पर माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 होगा, तो तुम लोग देख लेगा यहां माइनस वाई तुम लोग के बुक में लिखा हुआ है कि कुछ और लिखा है। जिसके बुक में यहां पर माइनस वाई नहीं लिखा है वो माइनस वाई करेगा, यहां पर 2x माइनस वाई प्लस जेड, बहुत सारे बच्चे के बुक में प्लस वाई लिखा हुआ है जबकि यहाँ माइनस वाई होगा। अच्छा, किसी के प्लस जेड लिखा हुआ है तो जेड नहीं होगा, यहाँ माइनस वाई प्लस जेड होगा। सही करो, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। हाँ देखो, हम जो लिखे हुए सेम टू सेम लिखना, सेम टू सेम लिख देगा, ठीक है। सेकेंड वाला इक्वेशन सेम सही है और थर्ड वाला इक्वेशन भी सही है, सेकेंड और थर्ड दोनों का दोनों इक्वेशन सही लिखा हुआ है। एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 3x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 1, सही है, वो मेरा सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में थोड़ा सा ठीक करेगा, क्वेश्चन नंबर फोर में फर्स्ट वाला इक्वेशन बिल्कुल सही है, सेकेंड वाला इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, और थर्ड वाला इक्वेशन में तुम्हारे बुक में यहां पर लिखा हुआ है 5z फिर प्लस 5y माइनस 4z इक्वल टू 3। यहाँ z नहीं होगा बेटा, यहां पर z नहीं होगा, यहां पर x होगा, यहां ठीक कर लेना, यहां में क्या होगा x। आ रहा बात समझ में? फोर नंबर इक्वेशन को सुधारेगा, पहला इक्वेशन सही है सभी के बुक में, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला में यहां पर जेड लिखा हुआ है, जेड नहीं होगा, यहाँ एक्स होगा, 5x करना। तो हम इसलिए कर दे रहे ना ताकि तुम जब क्वेश्चन बनाओगे तब तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में भी थोड़ा मिस्टेक है, फर्स्ट वाला इक्वेशन सेम सही लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर इक्वेशन जो है उसको लिखेगा 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ 11 है, 11, बहुत सारे बच्चे के बुक में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 11 है, वहां पर कितना है 11। और थर्ड नंबर इक्वेशन बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर इक्वेशन बिल्कुल सही है। कहाँ पर सुधारना है समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को क्या बेटा? समझ में आ रहा है ना कि कहां पर सही करना है? हाँ ठीक ठीक, इसको सही करते चलेगा, सही करेगा तभी ना जब तुम बनाओगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है वहां पर तो तुम बनाओगे तो फंस जाएगा ना,
फिर तुम सही सही सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको ठीक करेगा बुक में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो सिक्स पॉइंट वो सही है, सिक्स पॉइंट जो है वो सही है। तो जहां मिस्टेक था वो हम तेरे को मिस्टेक को लिख दिए, तेरे को बता दिए, उसको ठीक कर ले। कर लिया ठीक, बताओ रिप्लाई दो बेटा। यस हो गया। तो ये सिक्स क्वेश्चन है, पहले पेज नंबर 63 का सेकंड का सिक्स क्वेश्चन, सभी का सभी क्वेश्चन रिडक्शन से सॉल्व करना है, रिडक्शन मेथड है। यहां इन्वर्सन नहीं लेना है, यहां पर यूज करना है तुमको रिडक्शन मेथड्स, रिडक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है अपने को? रिडक्शन। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं मिसलेनियस पर। आज का क्लास लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास मंडे से हम लोग क्या देखेंगे? पेयर ऑफ स्टेट लाइन, नेक्स्ट चैप्टर। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क, क्वेश्चन नंबर थ्री होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फोर होमवर्क। पूरा होमवर्क कर दे क्या मिसलेनियस कि कम रहने दे? थोड़ा सा बता, पूरा मिसलेनियस होमवर्क कर दे। इधर सिक्स क्वेश्चन हुआ ना, पूरा मिसलेनियस थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा श्रुति कृति का, ठीक ना, ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में मिल रहा है होमवर्क, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है, ठीक ना, फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है, तो थोड़ा सा कम रखो, फिर दूसरे दिन दे देंगे, थोड़ा कम करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा आराम से सॉल्व करना है। ऐसा करो पहले ये सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और इसके अलावा थ्री नंबर फोर नंबर दो क्वेश्चन और ले लो, सिर्फ सिक्स और टू एट, दो क्वेश्चन इसमें और एड करेगा, एक थ्री नंबर क्वेश्चन और एक फोर नंबर क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन एट। ये होमवर्क है आज का, बस इतना ही, एट क्वेश्चन। एट क्वेश्चन होमवर्क, हाँ तो बन जाएगा बेटा, बताओ बन जाएगा? हाँ चलो वेरी गुड, पढ़ाई कर रहा है तुम लोग घर में अच्छे से? हाँ श्रुति कर रहे हो सभी को, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, इसी तरह एकदम लगन से मेहनत से पढ़ाई करते रहो, ठीक ना, और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। और कल संडे है, हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं है, ऐसे मन नहीं था मेरा आज पढ़ाने का, हम सोचे कि थोड़ा डिस्कस कर देते, जहां जहां सही है उसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, ठीक है, सारा चीज अच्छे से कर लो। इसके आगे आराम से हम लोग मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब संडे है थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, तुमको तो रेस्ट करने हम दिए नहीं क्योंकि तुमको हम होमवर्क दे दिए हैं, ठीक ना, तो तुम आराम से होमवर्क बनाओ, ठीक है, और हम रेस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं फिर एक मंडे से स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। अच्छा एक चीज और हम तुम लोगों से पूछना चाहेंगे, अच्छा स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को हम पढ़ाए थे ना, स्ट्रेट लाइन याद है क्या? स्ट्रेट लाइन हम पढ़ाए थे ना, हाँ कृतिका पढ़ाए हुए सभी बच्चे को स्ट्रेट लाइन, हाँ। तो देखो एक चीज मेरा बात सुनेगा ध्यान से, मेरा बात को ध्यान से सुनो, हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर बोलने का मतलब क्या है? दो लाइन का पेयर होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग दो लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन में सिंगल लाइन आता था, स्ट्रेट लाइन एक लाइन आता था सिर्फ सिंगल एक, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन वहां दो दो स्ट्रेट लाइन आएगा, कितना स्ट्रेट लाइन आएगा? दो। तो तुम लोग क्या करना कि घर में थोड़ा सा बैठ के, मंडे को क्लास है तो ऐसे ही है, बैठे हुए हैं गप चल रहा है, अथवा सा स्ट्रेट लाइन बुक नोट कॉपी रख ली आगे में, थोड़ा सा एक बार जल्दीबाजी में एकदम सारे चीज को पॉइंट को एक बार बस देख लेना है, सारा चीज तो पढ़ा हुआ है ही, थोड़ा भूल गए होगे तो स्लोप ये सब क्या होता है,
इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्लोप हमारा कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट से पास होता है स्लोप दिया रहता है इक्वेशन क्या होता है, दो पॉइंट से पास करेगा लाइन तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ओरिजिन से पास करता है लाइन तो इक्वेशन क्या होता है मेरा, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट होता है तो इक्वेशन क्या होता है, ओनली वाई इंटरसेप्ट होगा तो इक्वेशन मेरा क्या होगा। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चे को, सारा लिखा हुआ होगा, तुम लोग नोट कॉपी अपना निकालना, एक एक हेडलाइन अच्छे से लिख के हम तुमको समझाए हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग स्लोप एम, इक्वेशन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एंड पासिंग थ्रू टू पॉइंट तो इक्वेशन क्या होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट में, इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो y इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशंस ऑफ लाइन y इंटरसेप्ट c एंड स्लोप m तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, इक्वेशंस ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b तो लाइन का इक्वेशंस होता है x बाई a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, याद आ रहा है? हाँ महेश्वरी याद आ रहा है, शिवम याद आ रहा है सभी बच्चे को, कृतिका आंचल निशा अनुश्री सभी बच्चे को याद आ रहा है, तृप्ति वेरी गुड, तो तुम्हारा काम क्या है महेश सभी को याद आ रहा है, हाँ चलो देखो इसमें से ना अगर एक दो क्वेश्चन कम भी बनाओगे तो चलेगा, जैसे तुम सिक्स क्वेश्चन ही बनाया थ्री फोर नहीं बनाया बातें बना लेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा रिवीजन करके आएगा, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिस बच्चे को स्ट्रेट लाइन आता है, मेरे को स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा नॉलेज रहेगा तब ना पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम अच्छे से समझेंगे, जैसे जो बच्चा 11th क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है अब डायरेक्ट 12th क्लास में आएगा पढ़ने तो उसको कुछ समझ में आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले 11th क्लास का कुछ कुछ बेसिक चीज सीखना पड़ता है फिर जाके 12th पढ़ोगे तो समझ में आता है, डायरेक्ट पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो उसी तरह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को पढ़ने के पहले 12th का टॉपिक है इसका जो 11th में बेसिक दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन में तो उस स्ट्रेट लाइन को तेरे को पढ़ना है, तो आज यहीं तक, इसके आगे कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास मंडे के दिन, ठीक है चलो तो बाय, आओ नेक्स्ट क्लास आराम से, अब पढ़ाई करके आएगा सभी बच्चे, चलो ठीक है बाय, आज कम करो थोड़ा सा 10-15 मिनट कम करो, पढ़ते नेक्स्ट क्लास आराम से आप स्ट्रेट लाइन, ये खत्म हो गया चैप्टर पूरा।